भैया एक नया दिन एक नई जर्नी के साथ ये पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। तो ये पीसी है और क्या भैया क्या नाम है, टिपिकल नाम तो नहीं कोई? अच्छा श्रियांश ओझा। तो भैया इनका एक नया, ये नया गेमर है हमारा, नया चैनल स्टार्ट करेगा व्लॉग वगैरह का और इसी से ही एडिटिंग वगैरह करेगा। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? माई सेल्फ अंकित कुमार शर्मा और भाई आपके शहदाब भाई की है तबीयत खराब। तो मेरी भी कुछ खराब है लेकिन भाई मैं आया हूँ फिर भी कंप्लीट करने, ठीक है? तो भाई भाई की तबीयत खराब है, बिल्ड को आगे ले जाते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, क्या क्या कंपोनेंट हमने यूज किए हैं। आप लोग इस चीज को जज करिएगा कि ये पीसी है 120K का, जिसमें हम इनसे गेमिंग और एडिटिंग और स्ट्रीमिंग ये तीनों काम इसमें होने हैं। तो आपको जज ये करना है क्या ये कॉन्फ़िगरेशन अपने भाई के लिए, श्रियांश भाई के लिए परफेक्ट है कि नहीं है। भाई देखो हमने तो अपनी तरफ से सेकेंडरी स्टोरेज भी दी है और AIO भी दिया हुआ है, 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर भी दिया हुआ है, 16 GB रैम भी दी हुई है और एक अच्छी NVMe भी दी है Zen 3 की, 3500 मेगाबाइट पर सेकेंड यूजेबल है। अब इसको भैया आगे बिल्ड को ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं। आप लोगों को कोई नया पीसी अगर परचेज करना हो तो भैया नंबर दिया हुआ है 9532777615, ठीक है? फॉर्म आएगा, टेस्ट कर दीजिएगा, आप सारी प्रोसेस आपको पता है। वहाँ से रिवर्ड ना मिले तो आप इंस्टा पे DM कर लीजिएगा और दो चैनल हमने नए स्टार्ट किए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं भाई, प्रॉपर चले जाना एक बार वॉच कर लेना। अपनी दया दृष्टि भाई बनाए रखिएगा ऐसी, भाई थैंक्स अ लॉट इतना यहाँ तक लाने के लिए। आगे ले चलते हैं बिना आप लोगों का टाइम खोए हुए, दिखाते हैं कंपोनेंट कौन कौन से यूज़ किए हम लोगों ने। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करते हैं कैबिनेट। तो भैया कैबिनेट फुल आपका मेश पे दिया हुआ है, फ्रंट पे 3 फैन दिए हुए हैं, एक बैक साइड भी फैन दिया हुआ है और उसमें 240mm का एक AIO भी इंस्टॉल हो जाएगा। पोर्ट की बात करेंगे, 3.0 के पोर्ट दिए हुए हैं, 2.0 के पोर्ट दिए हुए, 4 USB पोर्ट दिए हुए हैं और टपन ग्लास के साथ आता है कैबिनेट। प्रॉपर अच्छा है और एक मतलब एक कॉम्पैक्ट कैबिनेट है और एक परफेक्ट है इस बिल्ड के हिसाब से। और प्राइसिंग की बात करेंगे तो 4500 से 4800 के बीच में ये कैबिनेट आता है। तो भैया इसमें एक AIO यूज़ कर रहे हैं, 240mm का AIO यूज़ कर रहे हैं जो कि है ऑरस का एक्वा 240mm। भैया इसको देखते हैं, सील्ड पैक है आपका, ये सीरियल नंबर, भाई सूफी सीरियल नंबर कहाँ है? ये रहा इसका सीरियल नंबर, दिख रहा है सूफी प्रॉपर? और इसकी सील खोल के दिखाते हैं कि कंपोनेंट क्या दिए हुए हैं, एक्सेसरीज क्या दी हुई है और ये देखने में कैसा है। तो भैया 240mm का AIO दिया हुआ है, ARGB पे ये आता है, हेडर इसका फुल RGB हेडर दिया हुआ है और इसको देखते हैं भाई, लगाते हैं देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी आती है। इससे पहले भी कई वीडियो में दिखाया, आई बटन में लिंक आ रहा होगा, देख लीजिएगा अनबॉक्सिंग दिखाइए। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कंपोनेंट, रिमोट वगैरह सब कुछ दिया रहता है और ये बहुत ही सिंक भी हो जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो WD की 1 TB की एक सेकेंडरी स्टोरेज भी दी हुई है। सूफी जरा सील नंबर दिखा दे रहा है इसको, नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे तो कूलर मास्टर की सप्लाई दी हुई है 550 वाट जो कि आपकी 3050 ग्राफिक कार्ड के हिसाब से दी हुई है। उसकी सीरियल नंबर दिखा दो एक बार जरा पास में लाके, सप्लाई को कर लेते हैं अनबॉक्स और फिर दिखाते हैं सप्लाई का लुक। तो भैया अनबॉक्सिंग के बाद देखो पेच निकले मिलेंगे आपको सप्लाई में और मिलेगी एक पावर केबल और सप्लाई कुछ कूलर मास्टर का लोहा इस टाइप से रहता है। अब दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कंपोनेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे तो आसूस का मदरबोर्ड दिया हुआ है B550 Prime, वाईफाई के साथ में दिया हुआ है, 4 RAM स्लॉट है। सीरियल नंबर की बात करेंगे, सूफी देखो सीरियल नंबर प्रॉपर आ रहा है। इसको अनबॉक्स करते हैं फिर दिखाते हैं कि बोर्ड है कैसा आपका देखने में। तो मदरबोर्ड आपका अनबॉक्स हो गया है, बोर्ड कुछ देखने में ऐसे है भैया, साथ में एंटीना वगैरह दिया हुआ है। ये देखिए बोर्ड इस तरह दिया हुआ है, 4 RAM स्लॉट दिए हुए हैं बोर्ड पे, एक NVMe, 2 NVMe के स्लॉट वगैरह दिए हुए हैं और IO पोर्ट्स की बात करें तो ये IO पोर्ट्स आपके दिए हुए हैं, वाईफाई साउंड LAN और A to Z कंपोनेंट के पोर्ट वगैरह दिए हुए हैं। तो भैया नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे तो Ryzen 7 प्रोसेसर दिया हुआ है और सीरियल नंबर भैया देख लो, ये रहा सीरियल नंबर, 8 कोर 16 थ्रेड का प्रोसेसर दिया हुआ है। प्राइसिंग की बात करेंगे बाद में, पहले अनबॉक्स करके दिखाते हैं प्रोसेसर देखने में है कैसा। तो भैया अनबॉक्स हो गया है आपका प्रोसेसर, ये रहा प्रोसेसर देखने में ऐसा दिया हुआ है, ये देखिए भैया तो भी आ रहा है फ्रेम, तो जैसे अपना 5800X आता है 8 कोर 16 थ्रेड पे बिल्कुल सेम वैसे ही आता है आपका 5700X विदाउट फैन,
इसीलिए हमने इसमें यूज़ किया है 240 mm का AIO। प्राइसिंग की बात करेंगे तो 28,000 रुपये के आसपास का ये प्रोसेसर आता है। बाकी भैया प्राइस वगैरह जितने चेक करने हो लिंक में दिए हुए हैं, लिंक जाके क्लिक करिएगा और सीधे जाके बाय कर सकते हैं। अगर हमसे बाय करना हो तो हम बताएंगे भैया कैसे बाय करना है हमसे, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे तो XPG की एक NVMe दी हुई है भाई, देखो उल्टी तो नहीं दिख रही है, हाँ ये देखो सीधी दिख रही है। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे तो NVMe दी हुई है XPG की, जिसकी रीड राइट 3500 से 3000 MB/s है, रीड राइट स्पीड है। अनबॉक्स कर लेते हैं और एक सीरियल नंबर, भैया सीरियल नंबर दिखा दे रहा जूम करके। तो ये आपकी भैया सर NVMe आपकी दी हुई है और बाहर का आपका आउटर सीरियल नंबर भी देखिए, इंटरनल भी सीरियल नंबर देख लीजिए। इसकी रीड राइट करीबन 3500 से 3000 MB/s रहती है और प्राइसिंग की बात करेंगे तो 5500 से 6000 के बीच में है। और फिर से मैं बोल रहा हूँ भैया, प्राइस आपके डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे लिंक, वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। प्राइसिंग के लिए कोई आग्रमण मत करिएगा, मैं केवल आपको कंपोनेंट दिखा रहा हूँ, फील करा रहा हूँ भाई प्रोडक्ट कैसे कैसे दिए हुए हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे तो HyperX की रैम दी हुई है, फ्यूरी करके रैम आती है और इसकी प्राइसिंग की बात करेंगे बाद में, पहले दिखाते हैं अनबॉक्स करके और दिखाते हैं आपको सीरियल नंबर। तो भैया रैम अपनी हो गई है अनबॉक्स, HyperX की RGB रैम आती है 3733 MHz की। प्राइसिंग की बात करेंगे बाद में, पहले भैया सीरियल नंबर दिखा दो। प्राइसिंग फिर वही बोलेंगे, प्राइसिंग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्राइसिंग आपको देखने को वहां मिल जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की बात। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करेंगे, जोटे का कार्ड दिया हुआ है 8GB का 128 bit पे, जो कि OC एडिशन है। अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं सीरियल नंबर और दिखाते हैं लुक कार्ड का। सीरियल नंबर देख लो भाई ये रहा। अब भैया दोनों तरफ से सील्ड पैक है सर, श्रियांक भाई ये देख लिए, दोनों तरफ से सील्ड पैक है। इसको अनबॉक्स करते हैं और दिखाते हैं कार्ड कैसा है लुक में। तो सबसे पहले मिलेंगे आपको प्रेम पत्र, प्रेम ग्रंथ मिलेंगे, साथ में अपना मिलेगा कार्ड। और इसका दिखा देते हैं एक बार इंटीरियर सीरियल नंबर, कार्ड है अपना अच्छा। बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे, बैक प्लेट वगैरह में प्रॉपर दी हुई है, हिटसिंग वगैरह दी हुई है। सीरियल नंबर की बात करेंगे एक बार, इंटरनल सीरियल नंबर भी दिखा दो सूफी। और प्राइसिंग की बात नहीं करेंगे, लिंक में दिया हुआ है क्लिक कर लीजिएगा, प्राइस चेक कर लीजिएगा। तो श्रियांश भाई प्रोसेसर लगाने का एक बार तरीका भी देख लेते हैं, क्या पता इन फ्यूचर आपको कूलिंग पेस्ट वगैरह इसका चेंज वेंज करना पड़े। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि आपके प्रोसेसर में गोल्डन एरो दी रहती है और मदरबोर्ड में भी एक डॉट एरो दी रहती है, बस एरो टू एरो मैच कराना है, लीवर कैसे उठाना है कैसे डाउन करना है भाई देखते जाइए। तो श्रियांश भाई देखो 5700X प्रोसेसर लग गया, 8GB की 3733 MHz की रैम भी लगी 8+8 की और 512GB NVMe का स्टोरेज हो गया, बंडल रेडी। कैमरा ने SMPS लगा दिए 550W की। अब लगाते हैं इसमें AIO, फिर शिफ्ट करेंगे कैबिनेट में, फिर ऑन करके दिखाते हैं लुक और फिर दिखाते हैं 5700X और 3050 की परफॉर्मेंस।
तो श्रियांश भाई बिल्ट आपका रेडी हो गया है भाई, देखो पूरी मशीन ओवरऑल सिंक हो चुकी है, आपकी रैम वगैरह प्रॉपर सिंक हो गई है, हेडर भी मस्त लग रहा है चौकस एकदम, और 3050 ग्राफिक कार्ड का इंस्टॉलेशन प्रॉपर कर दिया गया है, और टेस्टिंग वगैरह इसकी दिखाते हैं चला के कि कैसा लग रहा है भाई, केबल मैनेजमेंट भी दिखा दो कैसा हुआ है। देखो अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि हर पार्ट्स का इंस्टॉलेशन परफेक्ट रहे, और ए टू जेड केबल मैनेजमेंट भी अपने हिसाब से परफेक्ट किया है, हार्ड ड्राइव वगैरह प्रॉपर लगी हुई है। लुक वाइज कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन, भाई खाली है और ये एक 120 के का बिल्ट है, देखते हैं भाई परफॉर्मेंस भी कैसी आती है, दिखाते हैं आपको बेंचमार्क ये परफॉर्मेंस वाइज पीसी कैसा है, दिखाओ चलते हैं सीपी भाई। The ones who heard my cries and watched me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो श्रियांश भाई बिल्ट आपका रेडी कर दिया गया है भाई, अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की ये बिल्ट आपका परफेक्ट रहे, और जल्द से जल्द ये पैक होके शिप हो जाएगा पूरा आपको, आपका नया पीसी आपको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। देखो 120 के का बिल्ड था, पूरा फुल सेटअप है, और थोड़ा सा भाई टाइम की कमी है इसलिए मॉनिटर को अनबॉक्स नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर आपको ये शील्ड पैक यहाँ से ऐसे शिप कर दिया जाएगा। और भाई बहुत सारे लोग कमेंट्स करके ये बोलेंगे कि कूगर वाली कैबिनेट बहुत रिपीट कर रहे हैं आप लोग, भाई रीज़न ये है कि भाई 4500 से 4800 के बीच का कैबिनेट आता है, चार फैन वर्टिकल स्टेप मतलब फुल आरजीबी के साथ, तो आई थिंक जिस हिसाब से बजट है तो ये सफिशियंट अमाउंट है कैबिनेट के लिए। भाई ग्राफिक कार्ड वगैरह प्रॉपर लगा हुआ है, ए टू जेड पीसी कैसा लगा हो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पीसी कैसा लग रहा है, और आपको लगता है कि वर्थ है ये 120 गेम है, ये आपका गेमिंग एडिटिंग स्ट्रीमिंग के लिए कॉन्फिगरेशन परफेक्ट रहेगी भाई के लिए। तो किसी को भैया नया पीसी चाहिए हो तो यहाँ पर नंबर आ रहा होगा 9532777615, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज करिएगा, जल्द से जल्द हम रिवर्ट भी कर देंगे, यहाँ से रिवर्ट ना मिले तो इंस्टा पे डीएम करिएगा भैया, और इंस्टा पे देख के डीएम करिएगा भाई, बहुत शिकायतें आती हैं हमारे पास कि इतने सारे फेक पेजेस बने हुए हैं, तो भाई प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा कि भाई करीबन 18-19 के तक के फॉलोवर हैं भाई, आप लोगों की दुआ से जाके एक बार फॉलो भी कर लीजिएगा, लेकिन देख के डीएम करिएगा दोस्त। और हमने दो नए चैनल बनाए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मिस्टर पीसी वाले शॉर्ट्स और मिस्टर शहदाब खान नाम से एक व्लॉग चैनल है, वो भी देख लीजिएगा भाई जाके। तो पीसी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा भाई, हम लोग पढ़ते हैं कमेंट सेक्शन, कर दीजिएगा कुछ ना कुछ रिव्यू अपने ज़रूर दे दीजिएगा। तो भैया ये सफ़र आज का इस वीडियो का सफ़र यहीं समाप्त करते हैं, तो एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, और ऐसी दोस्ती बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और भाई भाई की तबीयत ख़राब है, जाके चेक कर लीजिएगा डीएम में, वहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा, कहीं दिखाई नहीं दे रहा भाई, वेट करिएगा आएगा जल्दी आएगा, ठीक है ना, बाय बाय।